हेलो एवरीवन, आज मैं आपको बताऊंगा मेरे टेरेस गार्डन में लगी हुई वेजिटेबल का अपडेट। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है हमारी लगी बरबटी, और बरबटी जो है काफ़ी हेल्दी हुई है। हमने यहाँ पे चार प्लांट लगाए थे, चार सीड लगाए थे, जिससे कि दो ही प्लांट हमें जर्मिनेट होने को मिले। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये हमारी लगी है तुरई, और ये देख सकते हैं इसकी क्रीपर यहाँ से इतनी बड़ी हो गई। यहाँ से हमने इससे 3G कटिंग कर दिए थे, तो यहाँ से ये काट दिया है। और 3G कटिंग करने का कारण ये है दोस्तों कि ये देखिए, ये साइड से जो है ऐसे ब्रांच निकलने लगती है, तो इससे जो आपकी जो क्रीपर है वो बुशी हो जाएगी। चलिए अब आगे दिखाता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे हमने लगाई थी फली, मूंगफली, मगर देख सकते हैं यहाँ पे जो गिलहरी हैं हमारे यहाँ वो उसे खा जा रही हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये बीज जर्मिनेट होना स्टार्ट हो गए हैं। यहाँ पे हमारा लगा है कोरिएंडर, और यहाँ से अभी हमने यहाँ पे एक बैगन का प्लांट उगा था, तो हमने यहाँ से निकाल दिया उसे। यहाँ पे एक करेले की क्रीपर है, मगर हम इसे छोड़ देते हैं, अगर इसे निकालेंगे तो ये ख़राब हो जाएगी। और यहाँ पे हमने कोरिएंडर को लगाया है, यहाँ आप देख सकते हैं ये कोरिएंडर लगा हुआ है हमारा, ये देखिए इतना सारा। और यहाँ से आगे चले तो यहाँ पे भी मूंगफली लगाई हुई है हमने, यहाँ पे करेले लगाए हैं, ये देखिए यहाँ चार लगाए थे, तो जिसमें से सॉरी मेरे को लगा कचरा, इसके लिए मैं उखाड़ने लगा था। तो यहाँ पे तीन जो है करेले जो हैं जर्मिनेट हो गए हैं, एक दो ये तीन। और यहाँ पे हमने बीजों को डाल दिया था, ऐसे बीज गीले हो गए थे, तो यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पे भिंडी है, भिंडी के साथ साथ पालक भी है, पालक के साथ साथ ये भाजी है चोले की, और यहाँ पे ये तरबूज की क्रीपर भी आ गई है, तो ये तरबूज की क्रीपर में भी फ्लावर आने लगे हैं। अब यहाँ से साइड में देख लें तो यहाँ पे हमने बरबटी के प्लांट को लगा दिया है यहाँ पे, और आगे भी है, आगे मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे बरबटी के प्लांट है, यहाँ से मुझे इस साइड जाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे जो है हमने कलम को लगाया हुआ है, ये नींबू की कलम है, और ये हमारे रोड साइड एक प्लांट है फ्लावर, उसकी कलम है, और ये हमारे जो कड़ एप्पल सीता फल जो होता है ये उसकी कटिंग है, अभी इसे हमने लगाया है। और आपने यदि हमारा कटिंग वाला वीडियो नहीं देखे हैं कि आप कोई भी कटिंग को कैसे बड़े आसानी से अपने पोट में लगा सकते हैं, तो वो वीडियो का लिंक मैं आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ हमारे कोई पुराने वाले बैंगन हैं, और ये फ्लावर है, यहाँ भिंडी है, और ये देखिए ये हमारा जो चाइनीज़ संतरा है ऑरेंज, ये इतना बड़ा बड़ा वाला वो है। और यहाँ पे आगे दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों हमारी लगी है गवार फली, देख सकते हैं यहाँ 10 से 12 हमने प्लांट लगाए हुए हैं। यहाँ पे हमने मूली लगाया हुआ है, ये देखिए ग्रो बेड में मूली लगी हुई। और यहाँ पे ये देखिए ये गवार फली हमने ये प्लास्टिक बैग में लगाया, तो कितनी अच्छी हो रही है इसमें, ये देखिए इसकी क्रीपर, तुरई की क्रीपर इसमें आ रही है, तो मैं इसे साइड कर दूँगा। उतना टाइम दोस्तों हमको मिल नहीं पाता, फिर भी जितना दे सकते हैं हम देते हैं, एक घंटे दो घंटे हमारे टेरेस गार्डन को। तो देख सकते हैं अभी हालत काफ़ी अच्छी होने लगी है, नहीं तो गर्मी में हमारे टेरेस गार्डन की हालत बहुत ख़राब हो गई थी, ये देखिए। अब यहाँ से ये देखिए यहाँ पे हमने लगाए हैं हमारे बटाने, और एक भिंडी का ये प्लांट आ गया है, हम लगे रहने देंगे और कहीं से शिफ्ट कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे हमने बटाने लगाए हुए हैं, बटाने के साथ साथ कहीं कहीं भिंडी भी आ गई है, तो हम भिंडी को
दूसरी जगह शिफ्ट कर देंगे। और यहाँ पे दोस्तों लगी हमारी मूली, आप देख सकते हैं हमारी मूली इतनी बड़ी हो गई है। और यहाँ पे आगे आप देख सकते हैं हमारी ये बेला, ये सेमी की बेला है और ये काफ़ी अच्छी फलती है। आप लोगों ने हार्वेस्टिंग का वीडियो देखे होंगे, अब ये और बुसी हो गई, ये एक साल की हो गई है, एक साल इसे हो गया है। और यहाँ पे हमारे कुछ प्लांट लगे हुए हैं और कुछ कटिंग लगी हुई है। यहाँ पे हमने पाइनएप्पल की जो है जो ऊपर का हेड रहता वो लगाया हुआ है, तो ये भी अच्छा हो गया है। यहाँ पे चीकू की जो है कटिंग लगाई हुई है, इसका भी वीडियो हमने डाले हैं, आप देख सकते हैं हमारे चैनल में, तो ये भी हरा होने लगा है। यहाँ पे हमने अनार की कटिंग लगाई थी, तो ये देख सकते हैं ये अनार कितना अच्छा जर्मिनेट हो गया है। यहाँ पे हमने टमाटर का रोपा लगाया हुआ है और आगे जो आप देख रहे हैं वहाँ पे हमने ये लगाया हुआ है हमारी मेहंदी को। और यहाँ पे ये देखिए ये मॉस रोज है, मॉस रोज के बाद यहाँ पे वही हमारे भिंडी के घास। यहाँ पे दोस्तों ये हमारी गुलदाउदी यानी सेवंती, ये देखिए कितना बड़ा झाड़ हो गया ये सेवंती, हमने इसे बूसी करा है एक के बाद एक के बाद हम इसे काटते गए, तो आप देख सकते हैं यहाँ ये कितनी अच्छी हो गई है। यहाँ पे दोस्तों नीचे हमारा लगा हुआ पुदीना, जो कि आप देख सकते हैं कितना अच्छा दिख रहा है। अब यहाँ से आगे बढ़ें तो यहाँ पे जो है हमारी वाइन लगी हुई है, ये वाइन ये देखिए ये फ्लेम वाइन है और ये इसे ऊपर जाके यहाँ से ये देखिए ये कितनी बड़ी हो चुकी है हमारी फ्लेम वाइन। और यहाँ पे भी हमारी फ्लेम वाइन लगी हुई है, ये यहाँ पे मैं आपको फ्लेम वाइन दिखा रहा था, तो ये फ्लेम वाइन यहाँ तक के जो है चले गई है, अभी हम इसको मैनेज कर रहे हैं और ये थोड़ा बाहर से निकलते जा रही है। और यहाँ पे हमारे वही प्लांट लगे हुए हैं आगरा के और गवार फाटा यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे लगे हैं देख सकते हैं आप सूरजमुखी सनफ्लावर, आप देख सकते हैं ये कितने खूबसूरत दिख रहे हैं, इसका हमने शॉट भी डाला हुआ था, ये काफ़ी अच्छे लग रहे हुए थे, काफ़ी अच्छे लग रहे थे। हमने ये दोस्तों पाँच प्लांट जो है छः प्लांट लगाए हुए थे जिसमें से पाँच ही जर्मिनेट हो पाए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे दोस्तों हमारी लगी भिंडी, जो कि भिंडी आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी अच्छी हो गई है, और ये इसकी दो हार्वेस्टिंग या तीन हार्वेस्टिंग ले चुके हैं हम। और यहाँ पे ये देखिए हमारी भिंडी ये कितनी हेल्दी है। और दोस्तों हमने इसमें सिर्फ गोबर की खाद डाली हुई है, इसके अलावा हमने इसमें कुछ नहीं डाला है। और यहाँ पर देखिए कितने फ्लावर आ रहे हैं इसमें, देखिए भिंडी भी बनते जा रही है, इसके साथ साथ फ्लावर भी आ रहे हैं। अब आगे देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे साइड में हमने लगाई हुई हमारी है कश्मीरी लाल मिर्च, तो देख सकते हैं यहाँ पे जो है कश्मीरी लाल मिर्च हो रही है। यहाँ पे ये देखिए, ये देखिए कितनी रेड है ये भी इसी तरह पक्के लाल हो जाएगी। आगे हमारी नॉर्मल वाली हरी मिर्च लगी हुई है, ये देखिए यहाँ पे हमारे पांच छह ही प्लांट जो है हरी मिर्च के लगे हुए हैं दोस्तों। यहाँ पे आगे देखें तो यहाँ पे हमने बैंगन लगाया हुआ है यहाँ साइड में, और ये इसमें फ्लावर आ रहे हैं, ये एक बैंगन बना हुआ है। अब आगे चलते हैं दोस्तों, तो आगे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे एक वाइट वाला फ्लावर है और ये नींबू का हमने एक प्लांट लगाया हुआ है, ये खरपतवार है इसको निकाल लें, ये जब टाइम मिले दिखे आपको कुछ ऐसा तो आप निकाल दीजिए। यहाँ पे हमने ये हमारी दोस्तों लौकी लगी हुई है यहाँ पे, ये लौकी आप देख सकते हैं, ये हमने ऑनलाइन सीड बुलवाया था, ठीक है ये लौकी हमारी। यहाँ पे भी हमने ये कद्दू की क्रीपर को छोड़ दिए हमने, ये क्रीपर में कहीं कहीं फ्लावर भी आ रहे हैं,
इसके लिए हमने इसे अभी रहने दिया है। यहाँ पे भी लौकी लगाई हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लगी है हमारी गिलकी। अब आगे चलें तो आगे भी हमने ये रहने दिया है दोस्तों, ये हमारी बरबट्टी की जो है वाइन है, सॉरी बरबट्टी की क्रीपर है, और यहाँ पे जो है वो लगी हुई है, यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार से यहाँ पे दाल वाली बरबट्टी हो रही है। और यहाँ पे आगे देखेंगे तो यहाँ पे जो है हमारा ये जो गिलकी है ये इस प्रकार से हमने रहने दिया है। इसका जो है हम ब्रश बनाएंगे, हाथ पैर घिसने या बर्तन मांजने के काम आ जाता है, जो बड़ा ही सॉफ्ट होता है दोस्तों। और मैं इसका भी एक शॉर्ट में वीडियो बना के बता दूँगा कि इसका कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए पूरी क्रीपर जो है मिक्स हो गई है सब। यहाँ पे हमारी गोली लगी है दोस्तों सेम फली। यहाँ पे तो हमने गर्मी के लिए लगाया था, देखते हैं हमने बोले गर्मी में फलती है कि नहीं, तो दोस्तों सेम ही गर्मी में नहीं फलती है। यहाँ पे हमारा देखेंगे आप तो यहाँ पे ऑरेंज संतरा लगा हुआ है, ये देखिए। यहाँ पे अगेन बरबट्टी लगी हुई है, ये खाने वाली बरबट्टी है देख सकते हैं आप। और यहाँ पे हमारा नींबू भी लगा था और भिंडी लगी थी, तो नींबू तो डेड हो गया, यहाँ पे सिर्फ भिंडी लगी हुई है जो देख सकते हैं आप, भिंडी बन रही है। यहाँ पे हमने अभी ये नए जो आपने देखा गिलकी, वो गिलकी के नए बीज लगाए हुए हमने, तो ये काफ़ी अच्छे जर्मिनेट हो गए हैं, हमने 10 से 15 यहाँ लगा दिए थे, तो ये यहाँ पे लगे हुए हैं। यहाँ पे दोस्तों हमने पपैया का रोपा लगा दिया था, तो पपैया का जो रोपा है वो देखिए जर्मिनेट हो गया है, पपैये के साथ साथ कुछ मिर्च के भी हैं, हमने इसे रहने दिया है यहाँ पे, जब ये बड़े हो जाएंगे तो हम इन्हें हटा देंगे, दूसरी जगह लगा देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लगी है हमारी ककड़ी, और ककड़ी भी हमारी जर्मिनेट कर गई है, और पिछली बार हमें काफ़ी ककड़ी मिली खाने के लिए, इस बार भी उम्मीद है कि हमें अच्छी ककड़ी यहाँ से हार्वेस्ट करने को मिलेगी। दोस्तों यहाँ पे क्यारी पे लगाए हुए हमने बैंगन, और बैंगन ये देख सकते हैं आप काफ़ी बड़े हो गए हैं, ये भी ऑर्गेनिक बाज़ार से हमने बुलवाया था, organic.net उससे ये मंगाया हुआ था, तो ये भी जो है उतनी अच्छी तो इनका ग्रोथ दिख नहीं रही, फिर भी ये ठीक ही है दोस्तों। ऊपर हमारे हरे वाले बैंगन लगे हुए हैं, और यहाँ पे ये ब्लैक ब्यूटी जो छोटा वाला चूचू बैंगन है वो लगा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, यदि आपको दिख रहे हो तो ये देखिए ये चूचू बैंगन है, यहाँ पे भी एक लगा हुआ है, ये देखिए, ये हमने अभी इसे ट्रांसफ़र किया है। और ये जगह हम छोड़ रहे हैं दोस्तों, हमारे टमाटर का जो रोपा लगा हुआ है यहाँ पे हम पूरा रोपा लगाएंगे, यहाँ हमारी बरबट्टी लगी हुई थी और बरबट्टी भी ख़त्म हो गई है, इसे हम हटा देंगे और यहाँ पे हमारे पूरे टमाटर लगेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे सब मिक्स जो है, जैसे कोई एक्स्ट्रा प्लांट हो जाते हैं हमारे पास टमाटर के, मिर्ची के, या जो भी चीज़ है उसके, तो हम जो एक्स्ट्रा वाले रहते हैं उन्हें यहाँ पे लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हरी मिर्ची है, टमाटर है, पालक है, और भिंडी भी आपको देखने को मिलेगी, बैंगन भी है, तो यहाँ पे जो जो एक्स्ट्रा हो जाते हैं हम उन्हें यहाँ पे लगा देते हैं। यहाँ पे ऊपर ये जो ग्रो बैग दिख रहा है इसमें हमने मिर्ची का रोपा लगाया हुआ है, जो कि उतनी अच्छी तरीके से जर्मिनेट नहीं हुई है, क्योंकि ये जो सीड है हमने घर वाले जो मिर्ची लेके आते हैं उन्हीं से हमने सीड निकाल के लगाया हुआ था। तो दोस्तों ये था हमारे टेरेस गार्डन का अपडेट बारिश के बाद का, और गर्मी में दोस्तों बहुत ही ख़राब हालत हो गई थी हमारे गार्डन की, अभी तो थोड़ा बहुत अच्छा भी दिखने लगा है, इस बार काफ़ी गर्मी रही और गर्मी ने काफ़ी परेशान भी किया हमें। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा
कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक कि आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर मी। पीस आउट।